जैसा कि आप सबको पता है 30 तारीख की शाम को ओल्ड टाउन बारामूला में समीर अहमद एक दुकानदार पे फायर हुआ था। मौके पे वो इंजर्ड हो गया, बाद में जब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया तो यहाँ से डॉक्टर्स को रेफर किया सिकिम्स, लेकिन बदकिस्मती से ब्लड लॉस ज़्यादा होने से उसकी मौत वाका हो गई। तो इस सिलसिले में यहाँ पे बारामूला पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया अंडर FIR नंबर 112/2019। तो इसमें मुलविस लोगों की तलाश शुरू हो गई। इस तलाश के दौरान काफ़ी सारे जो सस्पेक्ट्स थे उनको हमने कॉल किया, यहाँ पे उनको हमने क्वेश्चनिंग की। तो उनमें से एक नाम जो सबसे वाजह आ गया हमें, वाज आकिब शाला। इनिशियली ये तीन दोस्त थे, उजैर अमीन, आकिब शाला और आकिब हजाम। ये तीनों आपस में दोस्त हैं और आपस में अक्सर मिलते रहते थे ये ओल्ड टाउन में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ओल्ड टाउन में बाग इस्लाम के पास कब्रिस्तान है वो इनकी फेवरेट जगह है, वहाँ पर बैठना, या उसके ऊपर चश्ती कालने के ऊपर एक बाग है जिसको बटवा के नाम से बोले जाते हैं, वहाँ पे एक अक्सर बैठा करते थे शाम को। बड़ी अच्छी आपस में फ्रेंडशिप थी इनकी। तो एक दिन जो उजैर अमीन जो 1 जुलाई को एक्टिव हो गया HM तंजीम के साथ, जिसका फ़ोटो भी आया था मीडिया में उस वक्त, तो उसने इनको बताया कि हम जहाद करने निकलेंगे, हमें मिलिट्री ज्वाइन करनी है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम करते हैं, लेकिन पहले हमें उनको मारना है। उन्हीं में से एक समीर भी था, इनने बोला कि हमें समीर को मारना है, उसके बाद हम एक्टिव हो जाएंगे। और जो बाकी लोग हैं 3-4 और लोगों के नाम थे जिनको इनको प्लान था मारने का। अकॉर्डिंगली जो उजैर अमीन, जिसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बैकग्राउंड दूंगा आपको, लास्ट ईयर जो यहाँ पे ओल्ड टाउन में किलिंग्स हो गई थी जिसमें 3 लड़के मारे गए थे, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी उस वक्त, लेकिन कम उम्र की होने की वजह से उस वक्त उसको कोर्ट ने जुवेनाइल होने का बेनिफिट देकर छोड़ दिया था। तो उसके बाद मुताबिक प्रोग्राम जो इन्हें आपस में तय किया था, ये बटबाग में मिले तीनों। बटबाग में उजैर अमीन को पिस्टल लेकर आया और आकिब को बताया कि किस तरह चलाना है, क्या करना है। और नेक्स्ट डे इनका प्रोग्राम था इस समीर को फायर करके इनका एक्टिव होने का। तो जो इन्हें आपस में जो कॉन्स्पिरेसी की जो इन्हें प्लान बनाया, एज पर प्लान नेक्स्ट डे जो आकिब था शाम को, शाम की नमाज के बाद ये निकला घर से, और उस वक्त उजैर और दूसरा आकिब इकट्ठे थे दुकान पे, वो रिश्ते खाने गए थे जो इनने खुद बताया उन्होंने। तो जो ही इसको मौका मिला, इसको पता था कि समीर रोज़ शाम को वहाँ पे आता था, इसने 2 फायर किए, क्योंकि उतना ट्रेंड बंदा था नहीं। एक फायर उसको मिस हो गया, दूसरा फायर उसकी टांग में लग गया, जिससे आखिरकार उसकी मौत वाका हो गई। जो पिस्टल इसमें यूज़ हो गया था वो भी हमने रिकवर किया उसी सेम प्लेस से जहाँ पर इन्होंने बताया, जो तब उसको फायर करके इस आकिब ने दूसरे आकिब के हैंड ओवर किया था, जो उसने ऊपर बटबाग में रखा था छुपा कर वहाँ पर। तो पिस्टल भी हमने रिकवर किया और दोनों लड़के हमारी हिरासत में हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो तीसरा आदमी इसमें है उजैर अमीन, वो नेक्स्ट डे एक्टिव हो गया जो इस वक्त HM तंजीम के साथ वापस लगा। उजैर अमीन ने दिया था जो एक्टिव हो गया तंजीम इनकी HM में, HM के साथ ही काम करते। इन्हें पहले अर्ज़ किया, इनके और भी कुछ टारगेट्स थे जो इनको यहाँ पर हिट करना था उनको। He was one of the targets, Sameer. Disclose the names of the people who were their targets. This is उसमें different उसमें political लोग भी कुछ हैं, कुछ जो शक भी बुनियाद पर लगता है कि जो security force के साथ काम कर रहे हैं। ये 2 categories के लोग इनके target थे। Target था समीर कि इसके बाद इनको होना था active। लेकिन अब इसमें हमारी खुशकिस्मी समझे कि उसको active होने से पहले हमने इसको अपने कब्जे में लाया। क्योंकि हमारी ये है कि जो एक और लड़का इसका था जिसने पिस्टल लाई थी उजैर, वो पहले ही निकल गया था, वो पटन पहुँच गया था उसने एक्टिव होने के लिए। सॉलिड है पूरा, लेकिन हम उस वक्त इलेक्शन के साथ बिजी थे, हम उसमें कोई मीडिया को डिटेल्स नहीं दे सके। उसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो उसमें कातिल था ही वॉज अ पाकिस्तानी मिलिटेंट, वो स्किल पत्रकार, लेकिन जो उसमें आइडेंटिफायर था, जिसने आइडेंटिफाई किया, जो ही हम उस लड़के के करीब पहुँचे थोड़ा सा हम उसमें चूक गए, क्योंकि इलेक्शन का भी यहाँ पर प्रेशर था उस वक्त, तो वो एक्टिव हो गया लड़का जिस अदनान चना, जिसने उसको आइडेंटिफाई किया, जो उसको वॉच रखे हुए थे कि ये कब अकेला दुकान में होगा। तो पाकिस्तानी आकर उसको वो उस वक्त जो तकरीबन 8 फायर उसको किए थे। आज के आप मुझसे बेहतर जानते हैं टाउन के मुलाकात में मिलिटेंट्स की मूवमेंट है, सिविलियन लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब एनी आया फॉर कंडक्टिंग रेगुलर कैसोस इन दैट एरियाज,
इन एक्शन अगर इन्फॉर्मेशन ना भी हो जहाँ से हमें शक लगता है या खर्चा लगते इसी तरह से मूवमेंट होने वाली है उसे में अपने डिप्लॉयमेंट्स जैसे हमारी ADPs होती हैं या पेट्रोलिंग वो रोज दिखाते हैं एज पर रूटीन। देखिए जहाँ तक इसका ताल्लुक है जो हमारे पास इस वक्त फिगर्स उनमें से HM के दो लड़के हमारे